नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों को करवाने वाला हूँ 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हमने काफ़ी जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ एक तथ्य थे जो बचे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा उसको भी आपको करवाना चाहिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, तो शुरू करते हैं हम बिना किसी भूमिका बनाए हुए, यानी आपकी एक पूरक कक्षा थी इसको पूरा करते हैं जो कि आपके कल के टेस्ट में भी आपको काम आने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे, हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, ईस्वी की क्रांति, और इस क्रांति में कहां कहां पर कौन सी क्रांति हुई, किस रियासत का कौन सा शासक था, ये महत्वपूर्ण चीजें हमने पढ़ी है, इंपॉर्टेंट सारी। तो अब मैं कुछ चीजें आप लोगों को और बता रहा हूँ। साथियों, 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है तांत्या टोप्या। अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो है कहाँ के, वास्तव में वो कहाँ के थे, ग्वालियर के विद्रोही सेनापति थे। अब वो ग्वालियर के विद्रोही सेनापति थे, उनका यहाँ पर क्या रोल था, तो ये देखने वाली बात है उनका रोल था। क्योंकि देखिए, बात शुरू करते हैं अपन, आज का पहला बिंदु ही आपका ये साथियों, तांत्या टोपे। पहली बात आपको ये लिखनी है कि ग्वालियर के विद्रोही सैनिक, ग्वालियर के विद्रोही नेता कह सकते हो आप लोग, यहां सैनिक भी है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, तांत्या टोप्या राजस्थान से क्या संबंध है साथियों, राजस्थान में कुल दो बार आई है, दो बार राजस्थान अभियान। इनका राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या था, इन्होंने ऐसा सुन ऐसे इन्होंने सुन रखा था कि राजस्थान की जो धरा है वो वीरों के लिए जानी जाती है, वहां पर ऐसे ऐसे वीर हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ क्या कर देते हैं, न्योछावर कर देते हैं, इलाने देनी अपनी हलरी उलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई नाय, ठीक है, ऐसी बात मिलती है इस राजस्थान की धरा में। तो ये इसने सुन रखा था, तो इसने सोचा कि चलिए उधर चलते हैं, हो सकता है वहां पर भी कुछ मातृभूमि के सबूत हमें मिल जाएंगे, स्पॉट मिलेगी। वो राजस्थान के राजाओं की ओर निहार रहे थे कि ये शायद हमें वहां पर क्या मिले, सहयोग देंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक विपरीत, यहाँ के राजाओं ने तो भी आदि एक तरीके से दासता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। तो ये दो बार आया, दोनों रूपों में प्रश्न आता है, पहली बार कहाँ आया, दूसरी बार कहाँ आया, तो इस चीज के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले ये भी तारीख बनती है कि वो आया कब था, ठीक है, ये भी बात मिलती है। तो दो अभियान था, तो हम लेते हैं प्रथम अभियान को, प्रथम यानी पहली बार कह सकते हो आप लोग इसे, ठीक है। तो ये प्रथम अभियान था, ये साथियों इनका था 8 अगस्त 1857। सबसे पहले ये आए थे भीलवाड़ा। प्रश्न आता है कि सबसे पहले कहां पर प्रवेश किया पहली बार, तो ये आया हुआ प्रश्न है भीलवाड़ा में, ठीक है। स्थान यहां पर मांडलगढ़ हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। भीलवाड़ा में सबसे पहले ये राजस्थान में दो बार आए, मैंने आपको बताया सबसे पहले ये क्या कहां पर आए, भीलवाड़ा में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ उसके बाद साथियों ये आगे बढ़ गए कुवाड़ा। कुवाड़ा नाम एक स्थान है कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। ये कुवाड़ा नामक स्थान, यहां पर साथियों हुआ युद्ध, यहां पर इनका क्या हुआ युद्ध, और युद्ध किस किस का हुआ, तांत्या टोपे, मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं टोपे, और रॉबर्ट्स की सेना के मध्य युद्ध हुआ। रॉबर्ट्स अंग्रेज सेनापति और रॉबर्ट्स, यानी इन दोनों के मध्य यहां पर क्या हुआ युद्ध हुआ, और इस युद्ध में साथियों यानी कि ये जो तांत्या टोपे थे ये पीछे हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, ठीक है। अब ये पीछे हटकर कहां चले जाते हैं, आगे देखिए, ये पहुंच जाते हैं कोठारिया। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखना, कोठारिया ये कहां पर पहुंच गए हैं, कोठारिया पहुंच गए हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद भी अगर अपन बात करें, कोठारिया से आगे निकलते हैं झालावाड़ आते हैं, झालावाड़, और झालावाड़ आकर के काम करते हैं, यहां का शासक होता है साथियों
जिनका नाम होता है पृथ्वी सिंह। ठीक है, झालावाड़ के शासक यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भीलवाड़ा। ठीक है, सबसे पहले भीलवाड़ा पर भी ये आते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ से, फिर ये आगे चलते हैं यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं, फिर कुवाड़ा कोठारी नदी की ओर युद्ध होता है, टोप्या रॉबर्ट्स के बीच पीछे हटना पड़ता है, किसको तानते हैं टोप्या को, और यहाँ से ये है ना कोठारिया चले जाते हैं, कोठारिया से कहाँ आ जाते हैं साथियों झालावाड़, कहाँ से आ जाते हैं झालावाड़। ठीक है, और झालावाड़ की अगर अपन बात करें, यहाँ का शासक था जिनका नाम था पृथ्वी सिंह, क्या नाम था पृथ्वी सिंह, और इस पृथ्वी सिंह को यहाँ पर क्या कर देते हैं हरा देते हैं। ठीक है, इसको हरा देते हैं, यानी कि झालावाड़ पर ये क्या कर लेते हैं, यानी क्रांतिकारी मतलब ये लाइन का मतलब तांते टोपे ही आ रही है, मान लेना आप लोग, तो यहाँ झालावाड़ पर क्या कर लेते हैं अधिकार, झालावाड़ पर इनका क्या हो गया अधिकार। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, देखिए तांते टोपे का मैं पहला राजस्थान अभियान करवा रहा हूँ, इन संकेतों के माध्यम से इतना अच्छा याद हो जाएगा, जो चीजें रटोगे ना वो तो याद नहीं होगी, ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कोठारिया तक हम पहुंच गए, उसके बाद हमने यहाँ पर आया झालावाड़ में पृथ्वी सिंह जो यहाँ का शासक है उसको क्या कर दिया, शासक पृथ्वी सिंह को हराया। अब प्रश्न आ सकता है झालावाड़ का शासक 1857 की क्रांति के समय कौन था। ठीक है, तो आपका उत्तर एक और बन गया झालावाड़ पृथ्वी सिंह। देखो जब भी भूकंप आता है भयंकर संकट आता है हम किसको झालते हैं, किसको झालते झालते मतलब पकड़ते हैं, किसको पकड़ेंगे पृथ्वी को, मतलब नीचे लेट जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पृथ्वी सिंह झालावाड़, पृथ्वी सिंह झाला। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक बार अधिकार। लेकिन साथियों फिर एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम है मेजर पारक, ये मेजर पारक आता है यहाँ पर है ना, तो यहाँ मेजर पारक आएगा आक्रमण करेगा, तो यहाँ से फिर इनको और आगे आना पड़ेगा साथियों, कहाँ पर उदयपुर, कहाँ पर उदयपुर, और साथियों फिर उदयपुर से इन्हें वापिस जाना पड़ता है कहाँ ग्वालियर। देखिए कहानी जहाँ से शुरू हुई वहां कहानी को हमने क्या कर दिया खत्म, दोबारा सुन लीजिए, यानी एक तरीके से रवाना कहाँ से हुए थे, ये ग्वालियर से 8 अगस्त को भीलवाड़ा पहुंचे 1857 को मानलगढ़ में, उसके बाद कुवाड़ा जो नामक स्थान है, कुवाड़ा कोठारी नदी के किनारे है, आप अच्छी तरह से जानते हो भीलवाड़ा, और युद्ध टोपे रॉबर्ट्स के मध्य पीछे हट जाते हैं यहाँ से कौन तांत्या टोपे, फिर कोठारिया पहुंच जाते हैं, कोठारिया से फिर झालावाड़ चले जाते हैं, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को हरा देते हैं, झालावाड़ पर अधिकार कर लेते हैं, और फिर यहाँ से निकल जाते हैं उदयपुर, और उदयपुर से फिर वापिस ग्वालियर पहुंच जाते हैं। तो तांत्या टोप्या का पहला राजस्थान अभियान साथियों पूरा हुआ, आपको मुझे इसे आशा की जरूर समझ में आया होगा, इसी प्रकार पढ़ना जैसे मैं बता रहा हूँ, वरना तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। प्रथम 8 अगस्त 1857 पहले सबसे पहले कहाँ पर आए भीलवाड़ा, उसके बाद कुवाड़ा कोठारी नदी, फिर युद्ध दोनों के मध्य टोपे रॉबर्ट्स पीछे हट जाते हैं, कोठारी आ जाते हैं, झालावाड़ फिर उदयपुर, उदयपुर से ग्वालियर वापिस अपने यथावत स्थान पर पहुंच गए। ये लीजिए तांत्या टोप्या का पहला राजस्थान अभियान पूरा हुआ। अब लेते हैं दूसरा, अगर दूसरे की बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ग्यारह दिसंबर 1857। ठीक है, बात कब की है 11 दिसंबर 1857 की, अब की बार सर्वप्रथम ही झालावाड़ में आ जाते हैं। ठीक है, ये सॉरी बांसवाड़ा में। ठीक है, 11 दिसंबर 1857 सबसे पहले अब की बार कहां पर आते हैं बांसवाड़ा, दो चीज ध्यान रखना, वहां पर प्रथम बार आए थे ये प्रथम बार, तो कहां पर भीलवाड़ा। ठीक है, ये सीधा प्रश्न आ जाता है, और द्वितीय बार आए थे तब कहां पर आए थे ये, द्वितीय बार कब आए थे बांसवाड़ा, कहां पर आए थे बांसवाड़ा। ठीक है, ये सीधा फैक्ट याद कर लेना, हालांकि मैं बता रहा हूँ 11 दिसंबर 1857 को कहां पर आए बांसवाड़ा, याद कैसे करना देखो बताता हूँ, पहले तो ये आए भील बनकर के। ठीक है, ऐसे मान लेना भील बनकर के मतलब कुछ सहूलियत से आराम से आए। ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचे, दूसरी बार यहाँ के लोग माने नहीं ना, तो अब की बार ये क्या लेकर आए, टुकड़ा सा बांस लेकर आए, क्या लेकर आए बांस। ठीक है, ये याद कर लिया, मानिया कौन जी पर बांस जगाना पड़े एक धीरे धीरे मान जाए। ठीक है, तो फिर ये ले गया कि बांस, बांस का मतलब बांसवाड़ा, बांस का मतलब यहाँ पर क्या है बांसवाड़ा से है, तो सर्वप्रथम ये कहाँ पर पहुंच गए बांसवाड़ा पहुंचे। ठीक है, कहाँ पर पहुंचे भैया बांसवाड़ा। ठीक है, अब देखिए बांसवाड़ा के बाद फिर आगे जाएंगे, तो ये यहां से चले जाते हैं साथियों प्रतापगढ़, अंग्रेजी सेना के द्वारा इनकी इनको लगातार पीछा तो करता है मतलब किया जाता है, तो ये धीरे धीरे क्या करते जाते हैं भैया आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ से फिर एक जिस जगह जाते हैं, ये जाते हैं टोंक में, कहां पर साथियों टोंक, और टोंक तो आपको याद है यहां पर भी क्या होता है
यानी एक तरीके से युद्ध होता है। एक तरफ तो कौन है, क्रांतिकारी है, जिसमें ये तांत्या टोपे हैं, क्रांतिकारी यानी टोपे के साथ, टोपे प्लस, और साथ में यहां पर टोंक का जो मामा है नवाब, तो इधर रह गया नवाब वजीर खां। आज के टेस्ट में प्रश्न आया था वजीर खां, कुछ विद्यार्थियों का गलत हो गया था, नवाब वजीर खां। और ये तो क्या है, विरोध में है इनके, यानी एक तरफ अंग्रेजों की तरफ है, ये अंग्रेजों का सहयोग करता है, और ये क्रांतिकारी टोपे, और यहां पर इस नवाब का जो मामा था मीर आलम, ठीक है, इसके द्वारा साथियों क्या किया गया, क्रांतिकारियों का सहयोग दिया गया, और क्रांतिकारियों द्वारा क्या कर लिया गया, इनसे मिलकर के दुर्ग पर अधिकार 6 महीने तक रखा जाता है, आपको मैंने बताया था। और फिर क्या होता है, यहां पर यहां का पीए कौन है, ईडन प्लस अंग्रेजी सेना, ईडन आ जाता है कि बात अंग्रेजी सेना उसके साथ होगी, और ये आकर के इन्हें क्या करवा देता है, दुर्ग पर पुनः अधिकार, यानी क्रांतिकारियों को यहां से खदेड़ दिया जाता है, और क्रांतिकारी यहां से क्या हो जाते हैं आगे, कहां से भैया, बात कहां की हो रही, टोंक की, ये तो कहानी बताई थी मैंने, अब टोंक से आगे आगे, टोंक से क्या आगे, आगे आगे। अब ये यहां पर आते हैं साथियों, बांसवाड़ा की बात मैंने सबसे पहले बताई है। एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, बांसवाड़ा की बात करोगे साथियों तो यहां पर आप लोगों को एक बात मिलेगी, बांसवाड़ा के महारावल, ठीक है, बांसवाड़ा के महारावल, और बांसवाड़ा के महारावल को हराया जाता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यहाँ बांसवाड़ा के महारावल कौन थे। भीलवाड़ा के तो हमने बता दिया था, सॉरी बांसवाड़ा, उससे पहले हमने झालावाड़ की बात की थी, झालावाड़ के प्रत्युषी की झाले, ठीक है, लेकिन बांसवाड़ा के कौन थे, लक्ष्मण सिंह थे, कौन थे साथियों, लक्ष्मण सिंह, ठीक है, ये ध्यान रखना, लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह क्या करते हैं, जैसे क्रांतिकारियों की तरफ से आक्रमण होता है तो ये शहर छोड़कर ही भाग जाते हैं, शहर छोड़कर भाग गए, ये तो भाग गए भाई, लक्ष्मण सिंह भाग गए, शहर छोड़कर क्या हो गए, भाग गए, लक्ष्मण सिंह का ध्यान रखना, बांसवाड़ा, बांस ने देख गए, लक्ष्मण सिंह फरार, ठीक है, शहर छोड़कर भाग गए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ बांसवाड़ा पर भी टोपे का एक बार क्या हो जाता है साथियों, अधिकार हो जाता है, ठीक है, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद टोंक, युद्ध होता है, क्रांतिकारी नवाब वजीर खान, इधर क्रांतिकारी टोंक, मीर आलम, दुर्ग पर अधिकार, खदेड़ा, ईडन अंग्रेजी सेना के द्वारा। अब साथियों अगर अपन बात करें, यहां से ये नाथ द्वारा आते हैं, नाथ द्वारा यहां पर आ जाते हैं, ये बात ध्यान रखना, नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा से फिर ये आगे वाला जो इनका क्षेत्र है ना साथियों, अंत में ये नरवर पहुंचते हैं, कहां पर पहुंचते हैं, नरवर, और नरवर में क्या होता है, इनका मित्र होता है, मित्र मान सिंह, सॉरी अगर अपन बात करें मित्र मान सिंह नरुका की, सही है, मान सिंह नरुका, और मान सिंह नरुका क्या कर देता है इसके साथ, विश्वासघात, ये कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, बाकी कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है, विश्वासघात, मान सिंह नरुका विश्वासघात, विश्वासघात, और क्या करवा लेते हैं, धोखे से पकड़ कर अंग्रेजों को सौंप देते हैं, अंग्रेजों को सौंप देते हैं, सौंप दिया। अब क्या होना था आपको पता ही है, अब अंग्रेजों को सौंप दिया तो अंग्रेज क्या करते हैं, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी एमपी में है, एमपी के किले में फांसी दे दी गई, फांसी, ठीक है, एमपी के किले में क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। दोबारा सुन लीजिए, नर्व सारी कहानी मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा ताकि याद हो जाएगी फटाफट। तांत्या टोपे, दो बार अभियान, पहला भीलवाड़ा वाला सारा सफल वो चले गए थे,
ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद बांसवाड़ा, सबसे पहले बांसवाड़ा में पहुंचे 11 दिसंबर 1857। बात कब की 11 दिसंबर 1857 की, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ टोंक, ठीक है। टोंक से फिर वो युद्ध हुआ, सारी कहानी बता दी, विस्तार से बताई हुई है टोंक वाली, आपको बताया क्या हुआ था इधर नाथद्वारा में। फिर ये नरवर में आ गए, नरवर के जंगलों में, थोड़ा ध्यान रखना, नरवर के जंगलों में यहाँ इनका जो मित्र था मान सिंह नरुका, ये विश्वासघात करता है और पकड़कर अंग्रेजों को सौंप देता है। इस कारण 18 अप्रैल 1859 को इनको 59 को शिवपुरी यानी कि यहाँ पर इन्हें क्या दे दी जाती है साथियों, एमपी, फांसी दे दी जाती है। समझ में शायद यहाँ तक आ गया होगा। इसके लिए एक शब्द और काम लिया जाता था सिपरी, क्या काम लिया जाता था सिपरी, ठीक है, तो ये भी बात याद करना। सिपरी इसी का पुराना नाम है शिवपुरी का, ठीक है, शिवपुर या शिवपुरी, ये लीजिए शिवपुरी। अच्छा अब देखिए आगे थोड़ी सी बात और बता देता हूँ। तांत्या टोपे राजस्थान में जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य कामयाब नहीं हुए, क्योंकि यहाँ के शासकों ने इनका पूरी तरह से क्या नहीं किया साथियों, सहयोग नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, इनको मौत को लास्ट में गले लगाना पड़ा। और साथियों बहुत ही बेहतरीन ये क्रांतिकारी था। इस निर्णय को जब ये फांसी दी गई थी ना, तो यहाँ पर सावरस जानते होंगे आप लोग, मेजर सावरस, जिसे आप मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कहते हो, तो ये कहता है कि ये फांसी के निर्णय को इसने गलत बताया था। गलत बताया किसने, सावरस ने। सावरस ने कहा ये काम सही नहीं किया, फांसी देने वाली बात है, सही नहीं है, इसको गलत ठहराया था। लास्ट बात बताता हूँ साथियों, तांत्या टोपे के नीचे लिखना है, जैसलमेर को छोड़कर, संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण, सभी जगह घूम गया था लेकिन जैसलमेर नहीं गया था, ये बात ध्यान रखना भैया, ठीक है। जैसलमेर को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण किसने किया था, तांत्या टोपे ने, लेकिन ज्यादा कोई हेल्प नहीं मिली नहीं। तो ये हो गया साथियों तांत्या टोपे के बारे में। दोनों अभियानों को मैंने आपको करवाया है, दोनों को आप इसी उद्देश्य से याद करना जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से, ताकि आपके ये फायदेमंद रह जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। जैसलमेर को छोड़कर ये सभी जगह गया था लेकिन जैसलमेर नहीं गया। अब देखिए कुछ दो तीन फैक्ट और बचे हैं। एक फैक्ट आएगा साथियों आपके सामने, डूंगजी सुमार जी, हालांकि लोक देवता में मैंने इन्हें जरूर बता दिया, डूंगजी जवाहर जी, शेखावटी के लोक देवता या शेखावटी का रॉबिन हुड, यानी इन्हें शेखावटी के क्या कहा जाता था, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड एक यूरोपीय नायक है साथियों, बहिष्कृत, जहां इन्होंने बहुत सारा काम किया था लेकिन इनको ज्यादा इतिहास में प्रसिद्धि नहीं मिली। इसी प्रकार शेखावटी के रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, प्रश्न आ जाए शेखावटी के, आप अलग से लिखना शेखावटी के रॉबिन हुड, ठीक है। रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, डूंगजी जुमार जी को कहा जाता है। और शेखावटी के ये क्या साथी और लोक देवता, 1857 की क्रांति के देवता, 1857 की क्रांति के देवता, हालांकि ये उस समय थे, तो ये ध्यान रखना, इनका मुख्य काम था गरीबों को धन देना और अमीरों को लूटना, ठीक है, इनका ये काम था। तो ये डूंगजी चुमार जी ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया साथियों, विद्रोह किया, के विरुद्ध विद्रोह, और जब ये विद्रोह करेंगे तो हमें पता है क्या होगा, बंदी बनाया जाएगा। तो यहां पर इस डूंगजी को आगरा के किले में कैद कर लिया जाता है, आगरा के किले में कैद, ये लीजिए कैद हो गए। तो भैया अब ये डूंगजी, एक चीज देख याद रखना, डूंगजी और जुमार जी दोनों चाचा भतीजा थे, ये चाचा और ये भतीजा, दोनों का प्यार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, जब डूंगजी जेल में चले गए तो डूंगजी की पत्नी थी, उसने कहा था किसे,
जमात जी होगी आप थे इतना दिन तो काका जी ही करता कितने प्यार हो रहा झूठी बढ़ाई करता मेरे सामने ठीक है रात थर काकू जी कितना दिन हो गया जेड़ में अरे थे अठे बैठे क्या करो मस्ती करो आप किन्हें कही डोंग जी जेल में है और यहाँ पर इनकी पत्नी के द्वारा जुमार जी को कहा गया है तो जुमार जी नागी के रेस तो डोंग जी को मुक्त किसने करवाया ये बात ध्यान रखना। जौहर जी प्लस अगर अपन बात करें साथियों थोड़ा सा ध्यान रख लेना लोटिया जाट व करणिया मीना लोटिया जाट व करणिया मीना के सहयोग से मुक्त ये डोसा एक और क्रांतिकारी हो गए। अंत में क्या होता है इस डूंग जी का होता है साला ठीक है और साला का नाम होता है भैरू सिंह गोड़ और इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है साथियों है ना धोखा किया जाता है भैरू सिंह गोड़ द्वारा पकड़वा दिया गया अंग्रेजों को ठीक है अंग्रेजों को पकड़वा कर अंग्रेजों को सौंप दिया पकड़वा दिया ऐसे लिख देना ये लिए भैरू सिंह गौड़ इनके साला होता है धोखे से इनको क्या कर देते हैं पकड़वा देते हैं बाद में अंतिम समय इनका भी कहते हैं उदयपुर में अंतिम समय बीतता है। तो डूंग जी जुआर जी फटाफट देखिए सकावटी का लोक देवता है रोबिन हुड है 1800 की क्रांति की देवता है चाचा भतीजा दोनों अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं डूंग जी को आगरा के किले में कैद कर लिया जाता है फिर डूंग जी को जुआर जी लोटिया जाट और करणिया मीणा के सहयोग से क्या कर दिया जाता है मुक्त करवाया जाता है और फिर साला होता है भैरू सिंह गौड़ उनके द्वारा क्या करवा दिया जाता है पुनः पकड़वा दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें साथियों जो मैंने आप लोगों को बताई है तो चलिए आगे चलते हैं डोंगजी जुआर जी के बारे में यहाँ पर हम इतनी ही बात करेंगे 1857 की क्रांति की देवी की चर्चा आई तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी क्रांति की देवी कुछ मेरे पास एक दो नाम और है साथियों एक शब्द आता है अमरचंद बांठिया बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये अमरचंद बांठिया पूछा जाएगा ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है अमरचंद बांठिया कौन थे मूलतः साथियों ये बीकानेर के थे अगर अपन बात करें मूलतः बीकानेर इधर करते हैं इनको यहां इनकी बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट थी इन्हें दूसरा भामाशाह कहा जाता है दूसरा भामाशाह या क्रांति 1857 की क्रांति का भामाशाह क्रांति का भामाशाह इन्होंने बहुत सारा धन दिया था किसको बात करेंगे मूलतः ये कहां के थे बीकानेर मूलतः बीकानेर के थे लेकिन ये रहते कहां थे ग्वालियर राजघराने के ये थे साथियों नगर सेठ का मतलब हो गया कोषाध्यक्ष थे ठीक है। तो इन्होंने बड़ा काम क्या किया बड़ा ये किया क्रांति के समय झांसी की रानी एवं तांत्या टोपे को आर्थिक सहायता दी थी बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता तो ये भी एक तरीके के क्रांतिकारी थे। अब देखो जब ऐसा कोई काम करेगा अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों को पता चल गया कि भाई ये काम गलत कर रहे हैं तो अंग्रेज इन्हें पकड़ लेते हैं और क्या दे देते हैं साथियों फांसी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखना ठीक है। क्रांति पर चढ़ने वाले पहले राजस्थानी कौन थे तो यही उत्तर आता है साथियों बार बार बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है। हाँ तो 1857 की क्रांति में इनका रोल क्या था भूमिका क्या थी वो मैंने आप लोगों को बताई
और मैंने ये कहा कि मूलतः ये बीकानेर के थे, ग्वालियर राजघराने में ये नगर सेठ थे। नगर सेठ का मतलब हो गया कोषाध्यक्ष के पद पर ये थे साथियों। और लक्ष्मीबाई का सेवक करते हैं, तात्या टोपे का सेवक करते हैं। और 21 जून 1857 को अंग्रेज इन्हें क्या कर देते हैं, है ना, फांसी दे देते हैं साथियों। 21 जून 1857 को फांसी, और यानी कि एक तरीके से द्रोह के आरोप में, राजद्रोह के आरोप में अंग्रेज इसे क्या दे देते हैं, फांसी दे देते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों, फांसी पर चढ़ने वाले 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाले वाले प्रथम राजस्थानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम राजस्थानी और फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम राजस्थानी राजस्थान के व्यक्ति थे जो फांसी पर चढ़े थे प्रथम थे। और वैसे उधर तो मंगल पांडे थे, आप जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, इतनी जब मैंने आप लोगों को बता दी है तो एक और तथ्य है साथ साथ में, आप लोग याद कर लेना। वहां पर मंगल पांडे थे इसलिए इसे ही कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे। ये फैक्ट आप लोग याद करना भी, राजस्थान का मंगल पांडे इसे कहा जाता है। और अब अंत में मैं एक व्यक्ति का नाम लिखूंगा साथियों, हेमू कालानी, ठीक है। शब्द आता है हेमू कालानी बार बार साथियों, ये थे सरदार शहर के, कहां के थे, सरदार शहर के, अंतिम पड़ाव पर है सरदार शहर। और सरदार शहर में साथियों, यानी ये सरदार के अपने बिल्कुल ही पास में, आप जानते हो हेमू कालानी सरदार से, सबसे छोटी उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले राजस्थानी, ध्यान रखना 1857 की क्रांति में सबसे छोटी उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले। ठीक है, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले, ठीक है। अब देखिए दो तथ्य यहाँ पर, ये तो क्या है, प्रथम राजस्थानी जिन्हें फांसी दी गई थी क्रांति के, है ना, किसी प्रकार से लिप्त, इनकी लिप्तता पाई गई। और इधर हेमू कालानी सरदार से सबसे छोटी उम्र में फांसी, दो फैक्ट मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो ये थे साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्रांति के, मैंने आपको बताने वाला था, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर फिर भी कुछ तथ्य अगर रह गए हैं तो मैं उनको समेट करके और लाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं रहे, कुछ एक आध चीज़ें और अगर कहीं पर सेट होती है तो उनको मैं आप लोगों को आगे निरंतर सेट करता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों ये थी आपकी छोटी सी कक्षा, कैसी थी आप मुझे ज़रूर बताना। आपका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया, सुबह टेस्ट में आपके लिए ये टेस्ट में काम आएंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके साथियों, थैंक्स।